अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बनाएंगे चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स बनाने के लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम देखेंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि बेल आइकन के दबाने पर ही आप ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हासिल कर सकेंगे। तो लेट्स गेट इन टू द रेसिपी। रेसिपी की तरफ चलते हैं। नोट फरमा लें, चिकन का कीमा हम लोगों को चाहिए आधा किलो, एक दरमियाने साइज़ की प्याज, एक हरी मिर्च और अदरक का छोटा सा टुकड़ा, जिंजर का छोटा सा टुकड़ा, यानी उनको हमने जो है वो पीस लेना है। कुटा हुआ चाहिए हम लोगों को। और मैदा जो है वो हमें 3 खाने के चम्मच यानी 3 टेबलस्पून चाहिए। लाल मिर्च का पाउडर, नमक हम लोगों को चाहिए 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच, और वाइट पेपर या ब्लैक पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च हम लोगों को चाहिए 1/2 टीस्पून, और आधी प्याली हम लोगों को चेडर चीज़ क्रस्ट चाहिए। साथ ही हम लोग लेंगे एक फेंटा हुआ अंडा, और ये रहे साथ में हमारे ब्रेड क्रम्स। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अब हम। आप लोगों की आसानी के लिए, कि आप बाज़ार के ब्रेड क्रम्स अगर नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ ब्रेड के 2 स्लाइसेस को हाथों के साथ बारीक बारीक जो है वो क्रश कर सकते हैं, तो आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। एक बाउल लेंगे हम, उसमें सबसे पहले हम लोग डालते हैं चिकन कीमा। इसके साथ ही हम लोग लेते हैं मैदा। अब हम लोग डालते हैं इसमें अनियंस, प्याज, हरी मिर्च और जिंजर। देखें किस तरह से क्रश हुई हुई है, बस इसी तरह कुटी भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और साथ अब हम डालते हैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च और नमक। ये गई इसमें अब चेडर चीज़। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स अच्छे से हो गया है। फेंटा हुआ अंडा, ब्रेड क्रम्स और एक प्लेट हम अपने पास रख लेंगे। सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो ये है कि ऑयल से हमने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये इतना चिपकने वाला तो टेक्सचर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी फॉर्म या अच्छी उसको शेप देने के लिए हम लोगों को ये कर लेना चाहिए। तो ऑयल लगा लिया मैंने हाथों पे। अब थोड़ा सा हम मिक्सर उठाएंगे ताकि राउंड बॉल बने, फिर इसको फिंगर के साथ दरमियान से छोटा सा होल करेंगे जैसे डोनट्स के दरमियान होता है। अच्छे से हम लोगों को इसको इवन कर लेना है, ताकि ये ज़्यादा मोटा होगा तो फिर फ्राई करने में जो है वो मुश्किल होगी और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे हम इसे। डिप करते हैं इसको अंडे में। नहीं, प्याली छोटी है, मुझे प्याली चेंज करनी है। आई एम डूइंग इट लाइव, लेकिन इट्स ओके आई थिंक। अंडे में डिप करते हैं इसको। क्रम्स लगाएंगे अंडे में डिप करके दोनों साइडों से। इसी तरह हम तमाम मिक्सचर के डोनट्स रेडी कर लेते हैं और उसको अंडे में डिप करके क्रम्स की कोटिंग करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला,
5 मिनट हो गए इसको, ये गर्म हो गया है। अब इसमें हम डोनट्स डालते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको जो है वो फ्राई करेंगे। फायरिंग की टर्न कर दी है, हल्के से गोल्डन ब्राउन है एंड दिस वन इज परफेक्टली कुक्ड फ्रॉम वन साइड। तो व्यूअर्स, चिकन डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये माउथ वाटरिंग है, इनको देख के मुंह में पानी आ रहा है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें क्योंकि बहुत आसान है, टाइम टेकिंग नहीं है। और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक और एक्सपीरियंस शेयर किया करें, सजेशंस भी दे दिया करें। और हाँ, मुझे दुआएं ज़रूर दें क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हाज़िर होंगे नई रेसिपीज़ के साथ। चल दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।